तो गाइस बात करेंगे द हेवेली रेटिंग मूवी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी मूवी है। बात करें इस मूवी की, तो यार इस मूवी में जो फनी सीन है, फनी डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं ना, आप हंसने पर जो ना मजबूर हो जाओगे। बात करें इस मूवी की, तो सिंगल लौंडे की दुख भरी कहानी इस मूवी में देखने के लिए मिलती है। बात करें तो एक सिंगल लौंडे को सबसे ज्यादा दुख कब होता है, तब नहीं होता जब कोई वो जो ना सिंगल लौंडा कोई किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्यार करते हुए देखते हैं। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई लड़की किसी कुत्ते को जो है ना चिपका चिपका कर प्यार कर रही होते हैं। तब भाई साहब जो दर्द होता है और जो जलन महसूस होती है ना, उसका तो लेवल ही बता नहीं सकता। बात करें इस मूवी में तो ऐसे ही बहुत सारे सीन देखने के लिए मिलते हैं। बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्यार में जो ना रुकावट बन के और जो है ना दरार बन के जो ना या तो आपकी फैमिली या फिर लड़की वाली की फैमिली या फिर जो है समाज बनकर आती है, लेकिन इस हमारे हीरो के बीच में प्यार में जो रुकावट बन के जो आता है कोई और नहीं, एक कुत्ता होता है। और भाई साहब ये कुत्ता जो है ना हमारे हीरो के इस मूवी में जिस तरह से लेता है ना, वो सीन तो देखने लायक होता है और इतनी हंसी आती है ना पूछो ही मत। बात करें तो यहाँ पर हमारा जो भी हीरो कुछ भी करने की चाहता है या फिर प्यार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बीच में हमारा कुत्ता धमक पड़ता है। सच कहूँ तो इस मूवी में जो ना इस कुत्ते को ना एक प्यार का जो है ना विलन कहना गलत नहीं होगा, प्यार का दुश्मन कहना सही होगा। बाकी बात करें तो क्या हमारा हीरो ये बेचारा जो है डॉग जो कि बीच में रुकावट बन के आता है सभी को पार करके, क्या वो प्यार को पा पाएगा या नहीं, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बाकी बात करें इस मूवी में तो बहुत सारे ऐसे सीन है जो कि आपको हंसाते हैं। ये मूवी जो है ना शुरू से एंड तक आपको हंसाती ही रहती है। इसमें जो है ना ये आपको एक बेस्ट कॉमेडी मूवी इसको कहना गलत नहीं होगा। बाकी बात करें एंड में जो है ना, एंड में जो सीन जो देखने के लिए मिलता है, जिस तरह से एंडिंग होती है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो इसमें आपको फनी डायलॉग और फनी सीन जो ना बहुत देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको हंसाते रहेंगे। तो जो लोग कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो ना, मैं तो कहूंगा उनके लिए ये मूवी जो है ना बेस्ट है, क्योंकि हंसते रह जाओ। लेकिन हाँ, ये मूवी आप जो है ना अकेले ही देख सकते हो, फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।